धन्य है इंद्रपद, मैं राजा मैं महाराज, देवताओं मैं देवराज, मैं जगतपति, वरोड मोर पानी भरते, पवन मोर पंखा झलते, मैं अपन कृपा दृष्टि ले सृष्टि ले निहाल कर। आज पूरा धरती मोर यशोगान करत है, मोर रहत ले निराशन काबर डोलत है। आश्चर्य आश्चर्य, नारायण नारायण, आयुष्मान इंद्र, ये मैं का देखा था? तू तो अगम जानी हो देवर्षि, तू हर बतावा काका रहे। कारण कारण कुछ न है देवराज, तय अपन मुंह में मिठू बन के फूल गए और इंद्रपद पाके तोरो ले ऊपर कोनो हावे, ये बात ल भूला गए। नारायण नारायण, ब्रह्मपुत्र तय मोर चेला ला झनहास, ये हर इंद्र सभा है, ओकर हिसाब से बोल। हे गाधी पुत्र विश्वामित्र, आदमी कतको ज्ञानी ध्यानी रहे, मंगैया के मुंह तरिचरथ, अतका अभिमान बेकार है। मैं मान गाउन ला नहीं जाना, जेकर करा धन है ओई है गुमान कर ही। नारायण नारायण, स्वाहा 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 स्वाहा। कुछु अनहोनी देवर्षि? धीरज धर के सुन देवराज, ये विधि के का विधान, अयोध्या मा राजा हरिश्चंद है, ओकर जोड़ मा पूरा पृथ्वी मा का तीनों लोक मा कोनो नहीं है, संस्कारी है, व्रतधारी है, सतबुलवैया है, महादानी है, राजन वो गौ के रक्षक है, सौवा यज्ञ करत है। स्वाहा 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 स्वाहा, सौवा यज्ञ। हाँ देवराज। हे मुनि, तू तो सूर्यवंशी मन के गुरु है, उनका उपरोहित है, मोर लंका बलुकाया महर्षि कि हरिचंद्र सौवा यज्ञ करत। नहीं देवराज, भले मैं सूर्यवंशी मन के उपरोहित हूँ, तभो मैं उकर पक्ष नहीं ले सू। राजन मोर विश्वास कर, वो इंद्रासन के नाम लेके यज्ञ नहीं करत है। भरोसा तो उड़ गए महर्षि, अब मन हर आने कहा थे। इंद्रासन के आकाश में चढ़ी तेला काम के पाताल में गिरा हूँ, अब बताहा कि स्वर्ग के एके अधिकारी है मैं हर। राजन काम के फेरा में धोखा खाबे, काबर की वो अप्सरा मन के मोह में नहीं आए। तो मैं हर अपन तपस्या के बल में बोला चुट्टी में उड़ा दे हूँ। नारायण नारायण, धोखा में हस तपस्वी, मोर बात मान ले, नहीं तो पाछू पछतावे पड़ी। देख ले हाँ। देख लेबे। एकर का परिणाम हो ही देवर्षि? परिणाम परिणाम तुहर आघू में है देवराज, सत्य है तो जगमगाबे करही, और रज हर नारायण नारायण। समझ गए देवर्षि, अब कहाँ के प्रस्थान है? क्षीर सागर जाके भगवान विष्णु ला समाचार सुनाऊ, काशी में महादेव ला, फिर अयोध्या में डेरा जमी। नारायण 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 नारायण। वज्र शक्ति तेजा बलशाली सुअर बन के अयोध्या राज्य ला नष्ट कर दे। जो आज्ञा गुरुदेव। इंद्र सभा मा तुहर मुने हरिश्चंद के बड़ाई सुन गे, विश्वामित्र है जलन में सुलगा थे, अब वो हरिश्चंद के बिगाड़ बसो छी। ठीक है सच्चाई ले जबके दबाबे ओतके बाढ़ी, विश्वामित्र हर तो मंत्रा के बल में राज पाट ले झटते है, अब हर वाला पदरिया ही ज्यादा से ज्यादा दुख भी ही। आखिर में मुँह के खाही नारायण नारायण। तू ठला बैठे बैठे का नाटक कर दिया देवर्षि? तू तो समझा था मुनिवर, मोला विश्वामित्र के अहंकार ला दूर करे बर है, और हरिश्चंद के यश ला बढ़ाए बर है, काबर कि वो सत्य के पुजारी। नारायण नारायण, एक बात मैं तुहु चेता देता हूँ कि विश्वामित्र जी के अपमान भर नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो ही मुनिवर, तू डेरा था ज्यादा। नारायण नारायण, सागर जगत उजागर, यहाँ कहानी राजा हरिश्चंद।
मंत्री जी, गुरुकुल आश्रम और कला केंद्र मन की व्यवस्था कैसे है? राज्य के योग और जवान जनता मन बेरोजगार तो नहीं है? कोनो चोर अत्याचारी पनपे तो नहीं है? महाराज, जे राज्य के घर घर में सत्य और न्याय के जय है, वहाँ इतना कुछ कैसे हो ही? सेनापति जी, प्रजा मन में विद्रोह के बात तो नहीं है? शत्रु मन के मनसाहर हमर राज्य कति तो नहीं है? राज राजेंद्र, जे राज्य के प्रजा राजभक्त है, जे राज्य के सैनिक योग्य चतुर और अपन बलिदान देवा तैयार है, वहाँ इस प्रश्न के तो जगह नहीं है। महाराज, ये सब संतोष के समाचार। मगर महाराज, तुम्हार मामला उत्साह नजर नहीं आते, ये उदासी के का कारण? मंत्री जी, अमोर हितैषी सभा के सदस्य मन, जब तुमने पूछा था तो बता थो, कल का समाचार है सैनिक? राज्य में एक सुहार आके फसल ल तहस नहस करत है, जे सैनिक मन ओला रोके गई उल्टा घायल होके आ गए। अतेक दुष्ट है वो सुहार है, चल तो। मैं रास्ता भटक गया था, समझ में नहीं आते। प्यास लगा था, पानी उन्होंने दिए का ब्राह्मण देवता प्रणाम। मैं हरिश्चंदम अयोध्या के राजा, दुष्ट सुअर के पीछा करत करत जंगल में भटक गए। मोर सौभाग्य के निर्जन वन में तुम्हारे दर्शन हुए। मैं जानत हूँ राजा, ते दानवीर और सत्यवादी है, फिर मैं तो प्रजा हूँ। ये जंगल हर अयोध्या राज की सीमा मात है। मोर धन्य भाग्य दे प्रभु, मोर इच्छा है कि मैं तुम्हारे कुछ सेवा करता हूँ, पर मुला समझ में नहीं आते कि मैं तुम्हारे का सेवा करूं। प्रभु, तुम्हारे कुछ आवश्यकता या इच्छा हुई तेल अपन दास ला आदेश कर। ब्राह्मण ला का आवश्यकता हुई राजन? तभो ले मांगा तो संभव नहीं है। का मोर देना के तुम्हारे मांगना? तोर देना राजन असंभव तपस्वी असंभव, अब तो तुम्हें मांगे पर पड़े, ये तुम्हारे सेवक के दान की परीक्षा है। मुकर जाबे तते अब जस पाबे, राजा मैं तो यश न कलंकित नहीं करूं। तू परीक्षा मत लेवा देव, आज तुम्हारे नहीं मांगे में मोर यश कलंकित हुई, कृपा देव कृपा दे। राजन अपन राज्य अयोध्या दान में दे। हृदय से प्रभु, आज तुम्हारा राज दे के तुम्हारे दास धन्य हो। पछतावे थोड़े हरिश्चंद, मैं गाधी पुत्र विश्वामित्र हूँ, अभी भी समय है, सोच ले। नहीं प्रभु, संकल्प तो हो गए, मैं राजदान दे दे। कल्याण हो, मोर प्रतीक्षा कर बे हरिश्चंद। मैं यहाँ हरिश्चंद। परंतु एक प्रश्न है, का एक राजा हर जनता के संपत्ति ला कोनो दान में दे सकत है? मोर हिसाब से इतना नहीं हो सके महाराज। मोरो विचार हर यही बात कहत का कहे देह दान नु करत
तेहर जेकर चीज नो है ओह उला दान में कैसे दी ही तय बीच मा जान बोल कहे हस्त दे दे नहीं तो टा भरोसा करा मुनिवर मोला देह में कोई संकोच नहीं है पर राज्य के नियम है और जनता मन ला भी तो समझाए बर पड़ी जनता मन ला मैं तो समझाऊ हरिश्चंद पहली बता ये राज्य काकर बनाए मोर पूर्वज इक्ष्वाकु के तय इक्ष्वाकु के कौन है मैं उनका वंशज हूं उत्तराधिकारी हूं तब तो आसमान साफ हो गए हरिश्चंद कैसे तय फिर बोले हरिश्चंद ये राज्य इक्ष्वाकु के और तय उनका वंशज आयस किनो हस आयो तो फिर राज्य तोरे तय अपन मन के कर तय अधिकारी हस एक आए नियम जनता के बहाना बनाए हस हटपत कर मुनिवर तू तो ज्ञानी है तू शास्त्र के हिसाब से बतावा शास्त्र का शास्त्र ए हा अपन हो के राजदान करे है करे हस कि नहीं हरिश्चंद करे हो परंतु फिर परंतु ये राज्य हरिश्चंद के रहा है कि जनता के एकार ले मोला कोई मतलब नहीं है हरिश्चंद कहे हस्त दे दे नहीं तो का न हुकस न गुर्रावस ऋषिराज हाँ का कि नहीं का फिर ऋषिराज धन का तो हाँ भी है और नहीं भी है यदि यहाँ की जनता हर बागी हो जाही तो न तुहर रोके रुके मुनिवर न मोर रोके रुके तय मोला गिरवावा था हरिश्चंद एक मंडल के जन्मा अही मैं तोला स्वाहा कर दे हाँ नाराज धन हो मुनिराज दान दे बर तो हरिश्चंद तैयार है कहाँ तैयार है दान दे बर तो मना करते नियम और जनता के बहाना बनाते तू तो वेद और शास्त्र के ज्ञाता राज्य है प्रजा की संपत्ति ये तो तुम्हारे कथन है ए मेरे कर का मतलब वही बात मैं तो समझावा था मुनिराज दान दे में हरिश्चंद ला इनकार नहीं है पर राज्य ला बोला दान दे के अधिकार भी तो नहीं है मुनिराज तू पक्षपात कर रहा था का तू न्याय कर था मुनिराज महाराज पंडार भर तू दान के मर्यादा ला खत्म झन कर राज्य के संपत्ति ला दान करके कोई अधिकार नहीं है हरिश्चंद ए नीति के दाव हर ही तोर वचनी जौन शास्त्र नीति के आड़ में मोला छला था मैं तुला शास्त्र के आड़ में नहीं छला था मुनिराज जब तक मोर शरीर में प्राण है तब तक मैं तो वचन ले पाछू नहीं है अच्छा राज के बलदा में जौन मांगे हो देबे दे हो मांगा सोच ले हरिश्चंद सोच ले हूं मांगा 10 लाख सोन के सिक्का स्वीकार फिर सोच ले हरिश्चंद सोच ले जिसना आत्मा आदि में नहीं जरे पानी में नहीं गले उसने मोर वचन भी हर नहीं तरे हरिश्चंद तय अपन वचन ले मुकरे तो तोला मैं ऐसे सजा दी हाँ कि पृथ्वी के तीनों लोग और 14 भुवन कांप जाही समझो नहीं सत्या अतका बड़े राज्य के महारानी देव बरोबर पति हीरा बरोबर रहे यह पिछले जन्म के पुण्य नहीं तो का है पिछले जन्म में पुण्य भर थोड़े करे रहे हूँ पाप भी करे रहे हो हम पुण्य के फल तो आगु में है पाप के फल कतेक बड़ हो ही इला सोच के मोर मन है कांप जाते स्वामी तुहर तबीयत ठीक नहीं लगे थे का बात है उदास उदास कैसे हो ते जानथस रानी मोला सबले ज्यादा कौन चीज पर लगा है महाराज तू तो अपन दासी लग सबले ज्यादा लगन लगाए हां हां महारानी पर तोर से भी ज्यादा लगाओ काकर संग हो सकत है वो तो रोहित है महाराज जे हर तुहार मोर जीवन के सपना है हां रोहित तो मोर प्राण ले भी बढ़ के प्रिय है पर रोहित ले भी ज्यादा लगाओ काकर संग हो सकते महारानी भगवान नहीं दान दान करेले मनुष्य ला गति मुक्ति मिल जाते एमा कोई शंका नहीं है तू धन्य है महाराज पर दान दे मा ए उदासी के का काम रानी ते जानथस मैं जागत रहूं या सपना में मैं हर अपन बात ला दोनों जगह मान देता हूं नहीं नाथ अति व्याकुल काबर हुआ था
अपन आपला संभाला और समझा कि तू सपना देखत रह। सुन, अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र है। हाँ, हरिश्चंद्र है। दान में मोला अपन सब राजपाट ला दे दे है। राजपाट लेके काय करिया? तू तो योगी या महात्मा या ब्रह्मचारी या मूर्ख? तोला का लाग थे? मैं राजपाट करियो। मोला तो हरिश्चंद्र के परीक्षा लेहे बर है। ताका परीक्षा में पास हो जा प्रभु। काबर? एकर बा कि वहां तुहला तन मन जान और धन महारा दे। कान खोल के सुन, राजा संग मोर कोनो दुश्मनी नहीं है। मैं है भगवान शिव के भक्त ना और वशिष्ठ है भगवान विष्णु के। वशिष्ठ है हरिश्चंद्र बचाए बर भिड़े है और मैं है ओकर परीक्षा लेहे बर। हरिश्चंद्र जीती तबो मोर जीत है और हरिश्चंद्र हारी तबो मोर जीत है। तैं बोला बिहारी समझे हरिश्चंद्र? काम है दरवाजा में खड़े होके भीख मिले मायके की चिल्लाओ, कहाँ है 10 लाख सोन के सिक्का? सागर कोस ने 10 लाख सोन के सिक्का मना के मुनिराज की सेवा में अर्पित करा। कोस कोस ने कहा तैं बबती समझे हस जनों मारे मंगा था देहे बारे का दे नहीं तो टा नहीं महर्षि, एक जन्म का 7 जन्म भी लेहे पर ही तब ले हाँ। लेकिन तुम्हें क्रोध का त्याग देवा, क्रोध है विवेक के शत्रु है। ए उपदेश ने अपन लग रखे रहा हरिश्चंद, एकर मोला काम नहीं है। तैं 10 लाख सोन के सिक्का आगू मला। 2 लाख के मोर गला के हाथ मुंद्री और कुंडल भी तुम्हारे सेवा में अर्पित है। भला हरिश्चंद एक आ छुट्टा देवा था, दान के पूरा धन मंगावा था कि मोला भरमावा था, ये तो 2.5 लाख के होई। अत्यतन कीमत के राजकुमार के गहना है, वह तुम्हारे सेवा में अर्पित है महर्षि। बाचे धन और समय के दरकार है महर्षि। यह कुतर्क है हरिश्चंद, तू तो शास्त्र के बनाने वाला महर्षि, दान होकर लंग लेवा जे वचन दे शास्त्र के दुहाई देवा था। अच्छा कहूं ला शास्त्र देखा हाँ। हरिश्चंद ये 5 लाख के हो और बाकी के 5 लाख दे हम वो दे हम ये जन्म में नहीं दे सकिया तो अगला जन्म में दे। छा को छा था तोर कर्जा वसूले बा हमला फिर जन्म ले बा पर ही का महर्षि तुम्हारे से एक विनती है। का तुम्हारा कर्जा छूटे पर 1 महीने के समय देगा। 1 महीना चल दे हम, पर एक शर्त है, जब तक तय कर्जा नहीं छूटे रहे तय नगर का ये राज्य बझा रही है तो राज्य मोर लांग गहना धराए रही। स्वीकार है महर्षि। स्वीकार है तलाए मुकुट ला। तोर आला माला घलाऊ ला उता तारे वस्त्र ला एला धारण कर। जो आज्ञा। प्रजा के आगू मा प्रजा के स्वामी के अपमान। अपमान काय अपमान? दानी है कल री से आज तो मोर कर्जदार है और कर्जा वसूले में काय मान अपमान? ए मोर मर्जी है, मैं कैसे कर्जा वसूल हिया तय बीच में चोट झरमा। अब बोले तो कोई उपाय हो ही महर्षि। उपाय तो है, बतावा महर्षि। अरे कि ये अपन देह दाल ले मुकर जाए बस। तो सिर के यहाँ तो मैं अपन गला काट के देता, लेकिन जो दान मैं दे रही हूँ तेकर ले मुकरे नहीं सका। ऐसा है नक्षत्र तो तय कसंग मजा बहुत बढ़ चढ़ के गुच्छा थे तय बता दे बेला कि का सत्य है और का दान। मल्ला छोटे का रथ हस्तारा कर भगवान विश्वनाथ की कृपा है। अयोध्या के कुशलता ला तोर लंग छोड़ के जात संभाल बे। अयोध्या नाथ आज अयोध्या ला अनाथ कर दे। सत्य सागर तैतका धीर मत हो, अपन मन ला संभाल। मन तो तुहर लंग जात है धैर्य मूर्ति, मैं काला संभाला। अयोध्या ला सत्य सागर
फिर तैं कतेक विद्वान होके दुखी होतस। देख पीछे मोर सत्य है, कर्तव्य है, जिला तोला संभालना है। सत्य सागर, तैं अपन न्याय और नीति ले यथासंभव अयोध्या के सेवा कर दे। सत्य सागर विदा। अयोध्या वासी विदा। का करम, गुरुजी के कहे ला नहीं माना था, भस्म कर दी। राजा ला दुख दे था ता पाप होगी, आखिर राजा हा राजा है, फांसी में चढ़ा दी। ओ नक्षत्र, गुरुजी दंडवत। हरिश्चंद्र ले उधारी वसूल होइस। आज संघा तक दहा का है गुरुजी। तोला पैसा लेहे बर थोड़ी है मूर्ख, औलाद का तंग कर कि अपन वचन ले मुकर जाए, बस यही हमर जीते। आर्यपुत्र का बात है, तुम्हें मन दास दास लगा थे। भगवान विश्वनाथ लंग दुखी होके का प्रार्थना करत है। धर्मात्मा हरिश्चंद्र के ऊपर आए विपत्ति लटारे पर भगवान शंकर लंग प्रार्थना करत हूँ। रानी तहु मंगल कामना कर। भोलेनाथ, रानी तारा पर आए संकट लटारा, राजा हरिश्चंद्र के परीक्षा के चक्की में पतिव्रता ला जन पिसा प्रभु, ओकर सुहाग और संतान के रक्षा कर। बेलपान और फूल मंगावाओ का? बेलपान का करी हम, श्रद्धा भक्ति तो है ही हमारे। ता हलवा बनाए बा कहो का? ओकर और पैसा नहीं गुजारी जी। ता का ही हम और भात खाया है हस। रूप रंग तो राजा बरोबर लागत है। जा, पैसा नहीं है तो वो मेरे दर्शन कर ले। गुजारी जी, जो नहर पूरा विश्व का ब्रह्मांड के पालन कर रोइया है, वो हमारा हलवा नहीं देने ले नाराज नहीं हो जाए। ठीक और बिल्कुल ठीक, भगवान भाव के भूखा है। देख पुजारी, मैं भगवान प्रसन्न करा था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोला तो नहीं है पुजारी, मोटरवा के महाराज बोला तो नहीं। चल महादेव ने लोढ़वा कही था। हमन ला भगवान लंग अपन प्रार्थना लेके जाए देव पुजारी जी। खाली हाथ आए जजमान तो खाली हाथ जावे। विपद परिस्था तो द्वार में पहुंचे हैं पुजारी जी। कहाँ ले टपके हैं जजमान? अयोध्या ले। तो नामोल बता देवा। हरिश्चंद्र। पिताजी पिताजी अगर साधु भगवान तुम पर प्रसन्न है, जाओ भगवान के शरण दर्शन कर। ये प्रभु ठीक है।
यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधीप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। संसार ल दान करवैया मोर भक्त कुछ मांग। का मांगा? सब कुछ तो तू देहे है प्रभु, तब भोले वरदान देवा के मोर सत्य के इलाज रही जाए। पारस्वरी, तोर सत्य के शीतलता मा असत्य के अग्नि शांत हो जाए। जय जय बाबा विश्वनाथ। का शर्त मा फिर गहना धरे बत लंग आवे कुछ फिर अतका पैसा की का जरूरत आ मोर लंग फूटी कौड़ी नहीं है सेठ जी बस ईमान है अगर तू मोला ब्याज में कुछ ईमान है देखे के चीज नहीं है बिना साख के तोला नहीं 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 रुपया पैसा के मामला है मोर से कुछ नहीं हो सका। कैसे सेठ जी कोनो बड़े सौदा करा था का? और आखी में तो बड़े बड़े सौदा दिखे सेठ जी। ए महात्मा ला 1000 सोन के सिक्का चाहिए। का कहा था बता। कस बाबू तै हमला हरिचंदा सन अढ़ा समझे हस जोन अपन राज्य ला मुंह उठा के दान कर दिस। मोर लंग भरोसा नहीं है त मोर लंग मोर पत्नी है पुत्र है तू ए मला गहना धर लेवा जब मोर करा पैसा के व्यवस्था हो जाही त मैं मला मुक्ता ले। अरे तै आदमी अस के कसाई जोन लइका और पत्नी ला गिरवी रखा था। ए भाई एतिया तो का काम कर सकता है तू जौन सेवा लेवा खान पान की चीज बना सकता है बन जाही बर्तन कपड़ा धोए बार स्त्री मन के सभी काम कर बा दही मांगे ला जाए और ठेकवा ला लुकाए दबाव दबाए बार पर ही स्त्री मन के सभी सेवा करे बार तैयार पर पुरुष मन के काम में मर्यादा नो है। एकर लुगाई ला खवा पिया एकर लइका ला खवा पिया अहू मक्खी सक दी जय हरी। जवान तोर छाती पथरा के का जो ने मल्ला गहना धरत हवास अते कोठ सही काम मजदूरी नहीं कर डारस मेहनत भर जी नहीं चोरावत पर दक्षिणा ला तो आज शाम तक देह भर है। ले 1000 सोन के सिक्का। चलो दक्षिणा के इंतजाम कर डाली। हरिचंद दक्षिणा तो चुकता हो गई पर नक्षत्रा उतका दिन तोर पाछू में घूमी ओकर मेहनताला तोर देह पड़ी। मेहनताना अवश्य दे नहीं सौ नक सौन की सिक्का नक्षत्र ला दे। स्वामी तुम्हारे दर्शन फिर कब होगी? भाग्य के खेल अजीब है तारा हमन सोचे नहीं रिबो और जगह में लेके पटक दिए तारा तारा रोहित तारा
रोहित, तारा, रोहित, तारा, 16 धीरज रखे बर मैं कह रहा, वो धीरज कौन बना? हे सूर्य भगवान, मोर कुंडले का तू लुका गया, तू आखिले तू बुना सुनी टपकीस रोए पर पड़ी। अरे भाई, अपन दुख मा ते बनारस ला हला दे, ते कोनस तू जन समझा तो ना, अब मोर कोई पहचान नहीं। अच्छा समझ गए, भूख और बेगारी के मार खायस, नौकरी करबे? का काम करे बर पड़ी? मरघट मा जोन भी मुर्दा लेके आही ओकर लंग 2 टका और 1 गज कपड़ा लेबे, कोनो कर नहीं दी तो ओला मुर्दा जला झन देवे, चाहे महू रहो, समझे? समझ गए, पर मोला का मिली? दिन भर के कमाई के चौथाई हिस्सा। भोजन बर? का भोजन, मांग के खावे? कैसे मंजूर है? मंजूर तो है, पर मोला ये ब्राह्मण देवता ला 100 सोन के सिक्का देना है, जब तक इला वो सिक्का नहीं दे तब तक एकर यहाँ जाना नहीं हो। मैं देता हूँ तो तै कैसे चुकता कर दे? भैया भोजन तो मोला मांग के करेज भर है, अब मोर का खर्चा रहेगी? तू मोर कमाई के पैसा ला जमा कर जा, कहू बीच में भाग गए था। भरोसा हर सबले बड़े चीज है भाई, भागेज बरतीस कहीं नदिया में धकेल लेते, अते दुख का बर्बाद। कम से कम तो नाम पता तो बता दे। मोर मुँह में कह लिखा, मैं कहता हूँ कि मैं अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र, तो तू मन है थोड़े तै जौन भीरा, पर तो एक एक शब्द में ईमान झलका थे। ले अपन सिक्का, हिसाब चुकता होगे ना? हाँ भैया जी। चल आज मोर संग खा लेबे। मंत्री जी बतावा तो राज्य में कै मंत्री है? महाराज केवल एक मैं। कबर राज्य में एक मंत्री? तू अपन छोड़ 5 मंत्री राखा, अब 5 मंत्री के तरी मा 5 राज्य मंत्री और ओकर तरी मा 5 उप मंत्री राखा। एमा तो खर्चा बाहर से ही राजा है, अखिल उमन का काम करे? का काम कर ही, जगह जगह भाषण दी, जगह जगह उद्घाटन करी। हाँ गधा ला राष्ट्रीय पशु बना के घोषणा कर देवा। गधा ला ते सम्मान का बर? अरे गधा सबले सीधा जानवर है, आओ ताओ गुरु जी और गधा के नाम एक अक्षर ही तो समझा नहीं हो है गुरु जी, वो अभी ले आ गया। नीचे उतर। तू तो आज समझा तक बार राजा बना रहा, तमाशा करे बार राजा बना रहे हो? हरिश्चंद्र लंग ले पैसा वसूले ना? हाँ नहीं दे सका, नहीं कही तो नहीं कहा, नहीं दे नहीं कहा, अभी तपस्या के बल माओ कर सत्य ला। तपस्या का था गुरु जी, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बस में नहीं आए। झूठ मूर्ख त्रिशंकु, ओकर बबल आकाश में टांग दे रहे हो, भुला गए? नक्षत्र अगर हरिश्चंद्र अपन कर्जा ला नहीं चुके तो ओकर मुंह में दरिया पोत के जुलूस निकाल देवे। बड़ा राजा के भगत बने हर,
अभी तो 5 लाख में 16 हजार काम है। 16 हजार इन के लाए हस। हाँ वाह रे विधान, हरिश्चंद्र अपन वचन पूरा कर दिस, अब तो 5 लाख पूरा हो गए। कौन जन्म के पात्र है कि आज ये दिन देखे बरपर, कहाँ होगी का खा तुम। पानी कौन गरम करी? रोहित के पाव खुल गए इस मार्किन, बोला मिसत रहे हूं, फिर बर्तन मांजे आ गए। मोला बना लेते, राजकुमार के पाव मैदा पा देते, चल जा गरम करके ला। अरे धीरन, बिहार ले बाहर रखा कपड़ा का मैका थी हो? हाँ जावत हो। फूल ले भेजे देरी होई ताता ओकर गुस्सा जानथस नहीं रोहित चल कही हरिश्चंद्र के धैर्य है। जा हरिश्चंद्र के धैर्य दस के हरिश्चंद्र के सत्य ला मार। काकी माँ,
रोहित रोहित का सांप जाग दिस हां 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 और माजी का मां मोर बेटा रोहित का चिल्ला था मार के चिल्लाए ले जीजा ही का मार्किन मैं क्या करूं नदी में बहा दे नहीं तो मार घट्टी में फूका मार्किन ला चौकीदार आज के हिसाब दे तोर वेतन सब कुछ एम है जांच लेवा मैं अपन पर कुछ नहीं रखे हैं जांचे बनी पर है मैं जाना था तोरी मान ला पर एक बात है तय बिना कर ले कोनो के क्रियाक्रम करबे माने अपन स्वामी संग छल करबे ईमान की कसम है स्वामी विधाता हर कभू कभू अन्याय करते तो सहारा लोला नहीं छिन्ना रही धीरज जो हो गए तुम तो वापिस आए नहीं दे दू टका और कफन के कपड़ा ला कफन कपड़ा दू टका रोहित हाँ एहर यहाँ के नियम है जला देहे बिना कोनो के क्रियाकर्म हो नहीं सके के धंधन तो बाज के लीजिए ये और मोर लग रही से ओ लाज दाता उठा ले मैं कहां ले तोला कपड़ा दा धक्का दा मोर लंग तो कुछ ही नहीं है तो फिर तोला लाश वापिस ले जेबर पर ही वापिस ले जेबर पर ही कहां ले जाऊं अरे यहां ले कहां ले जाऊं थोकन भगवान डर देख के गोठिया मैं मजबूर हूँ मैं कुछ नहीं कर सकूं मुला कोई अधिकार नहीं है तो मैं कहां जा मोर सरदार लन जा कोई तोर कर माफ कर सकत है मोला धर्म संकट में झंडा धर्म संकट अरे तोर नहीं कर रहती तथा कैसे नहीं वापिस कर देते तह लड़े लगे देवी मोरो लड़का रतीस तब बिना करके ओकर अंतिम क्रिया मैं नहीं करते देरी मत कर जा
तू व्यवस्था करके जल्दी आ जाबी। ते कुछ सहायता नहीं करे ते अच्छा धर्म संकट में डालता मोरले कुछ उभर कर रहतीस तो तुला का माथा रगड़े पर नहीं पड़ता। अतका चंच माथार पहिने सो नखरा करतस ए हार ते शौकु मन के धरोहर है एला तो ओई मन देख सकते पर ते कैसे देख गाल चुप कैसे पता कोन मैं हरिश्चंद्र अध्या के राजा स्वामी प्राण मैं तारा कौन तारा तारा ए कौन है तुम्हार मोर जीवन के सपना रोहित रोहित मां रोहित कैसे होई तय तारा नोहस तय तारा नोहस ते मोर रोहित न ते मोर रोहित न अंतिम क्रिया पुत्र के अंतिम क्रिया बड़ा कठिन परीक्षा है तारा। मैं हाँ कोनो के पिता नो हूँ पति नो हूँ नौकर हूँ नौकर बिना कर कफन के अंतिम क्रिया संभव नहीं है तारा संभव नहीं संभव नहीं। जा तो अयोध्या ना कौन अयोध्यानाथ जेकर बेटा के लाश अनाथ पड़े है वह कौन नाथ कहाँ के नाथ हे विश्वनाथ। काकी माँ रोहित के क्रियाक्रम में पैसा लाए हूँ वो लड़का रोहित। हरिश्चंद धन्य है तोर कलेजा जौन पुत्र के लाश में नहीं पसीज है चल ना कतका जोर मार बे देखी हाँ। पैसा के नाम एक लड़का मार डालीस तहु वह हत्यारिन ला मार डाल। स्वामी स्वामी मैं निर्दोष हूँ और कोई अपराध नहीं है लड़का ने मैं नहीं मारे। मैं जाना था तो निर्दोष पर मैं मोर कर्तव्य के उल्टा न्याय है तारा। कागो छात हस अपन कर्तव्य कर विश्वनाथ तोर नगरी में मोर पाँव का पड़िस मोर ऊपर विपत्ति के पहाड़ टूट गिस आज एक निरपराध स्त्री के बाद तई हाथ में लिखे रहे प्रभु तू विश्वनाथ के परीक्षा नाथ है प्रभु। आज के बाद संसार देखिए पिताला जो बिना कर ले अपन पुत्र के अंतिम क्रिया नहीं करी। आज के बाद संसार देखिए पतिला जो निर्दोष पत्नी ल कर्तव्य के सूली में चढ़ा दिस का करा था धारे फरसाला अरे अपराधी ल दंड दे। तारा रोहित बहुत पाप कर रहा तुमन जुन वो संग तुहर नाता जुड़ी कोई सुख नहीं दे सके मैं तुमल्ला मैं तुम्हारे अपराधी हूं मैं
मोला क्षमा करवे देवी, मोला क्षमा करवे बेटा, मोला क्षमा करवे। उठाओ फरसाला और ये अपराधी के गला ला काट दे। तो निर्दोष मासूम सूरत देख के मोर सत्य डोल झन जाए। मोर आखी में पट्टी बांध दे तारा। भगवान, यदि मैं मन वचन कर्म ले सत्य पालन में नहीं डोले हो तो आज कर्तव्य पालन में झन डोलाओ। परीक्षा पूरा हो गया अवधेश,